नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आप सभी का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की हम बात करने वाले हैं, दोस्तों आप भी यहाँ पर एयरटेल का एक रिटेलर हैं और दोस्तों आप यहाँ पर एयरटेल मित्रा से रिचार्ज करते हो किसी को, तो आपको यहाँ पर कभी कभी इस तरह का यहाँ पर एरर आ जाता होगा। आखिर यह है क्या? आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, यहाँ पर जो हम नंबर भी सही दिया है इस पर, जो कि पहले हम रिचार्ज भी किए हैं, फिर भी यहाँ पर जो आज ऐसा क्यों बता रहा है, डुप्लीकेट रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई आफ्टर सेम टाइम, आखिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है और ये देखने का क्या कारण है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे वॉलेट में पैसा पहले से यहाँ पर है, फिर भी यहाँ पर जो है कि यहाँ पर डुप्लीकेट रिक्वेस्ट ऐसा बता रहा है, आखिर ऐसा यहाँ पर क्यों दिखा रहा है और उसका क्या कारण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो और आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके बतलाते हैं। दोस्तों हम यहाँ से डायरेक्ट बैक आएंगे, बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर हम मित्रा एप्लीकेशन सबसे पहले यहाँ पर हम ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते होंगे। करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर गलती क्या करते हो वो आप लोगों को यहाँ पर हम बतला देते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर ऐसा इशू देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर अपना जो पहले हम यहाँ पर बैलेंस चेक कर लेते हैं, यहाँ पर बैलेंस कितना है आप यहाँ पर देख सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर मेरे वॉलेट में अभी जो यहाँ पर 61 रुपया दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर गलती सबसे पहले क्या करते हो, आपके वॉलेट में यहाँ पर पैसा रहता नहीं है तब भी आप यहाँ पर जो है कि मोबाइल नंबर डालकर रिचार्ज करने के लिए चले जाते हो। जैसे हम आपको यहाँ पर अभी जो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जैसे हमको यहाँ पर अभी एक रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे, हमने यहाँ पर नंबर डाल दिया, नंबर डालने के बाद उसके बाद जैसे हम यहाँ पर कोई भी एक प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं, देख सकते हो यहाँ पर 299 का प्लान हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और दोस्तों अगर आपके यहाँ पर वॉलेट में पैसा नहीं रहेगा तभी ऐसा इशू आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे वॉलेट में अभी 61 रुपया हमने यहाँ पर 299 का रिचार्ज मारने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमने एम पिन डाल दिया, एम पिन डालने के वजह से आप रिचार्ज नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। करने के बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर लो बैलेंस का एक ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर योर बैलेंस इज लो ऐसा करके आपको यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर एरर आएगा उसके बारे में आप लोग यहाँ ही पर गलती करते हो, आपके वॉलेट में पैसा रहता नहीं है और दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो ज़बरदस्ती रिचार्ज करने के लिए चले जाते हो। उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्ट बैक आते होंगे, बैक आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो है कि अपना जो लापू बैलेंस यहाँ पर ऐड कर लेते होंगे फटाक से, और उसके बाद फिर से आप यहाँ पर रिचार्ज करने के लिए चले जाते होंगे। चलिए हम आपको यहाँ पर अभी एग्जाम्पल देकर दिखा रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर जो पहले वॉलेट में ऐड कर लेते हैं, आप भी यहाँ पर ऐड कर लेते होंगे, लेकिन दोस्तों जैसे आप यहां पर ऐड करते होंगे तुरंत रिचार्ज करने के लिए फिर उसी नंबर पर चले जाते होंगे, लेकिन वहां पर दोस्तों एक इशू आ रहा होगा जो कि आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर जो है कि पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने के बाद आप लोग भी यहाँ पर जो है कि फिर से पेमेंट करने के बाद आप लोग चले जाते होंगे वहाँ पर जो है कि रिचार्ज करने के लिए। अब फिर दोस्तों आप लोग यहां पर क्या करते होंगे, फिर से यहां पर जो नंबर डालते होंगे फिर से वही नंबर आप लोग यहां पर डालकर रिचार्ज करने के लिए चले जाते होंगे। चलिए हम आपको यहां पर अभी दिखाते हैं, जैसे हम यहां पर नंबर डालेंगे फिर से यहां पर रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप यहां पर देख सकते हो मेरे वॉलेट में अभी पैसा भी है यहाँ पर, फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पर डुप्लीकेट रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम ऐसे करके यहाँ पर इशू आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक ही कारण है, आप लोग के वॉलेट में पैसा रहता नहीं, आप लोग रिचार्ज करने के लिए चले जाते हो और तुरंत यहाँ पर लापू बैलेंस ऐड करके फिर से रिचार्ज करने के लिए आप लोग चले जाते हैं, इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। कंपनी का कहना है अगर आपके वॉलेट में पैसा नहीं रहता है फिर आप जो है कि कस्टमर का पैसा लेकर रिचार्ज करने के लिए क्यों जाते हैं, यहीं पर आप लोग मिस करते हो, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर अब सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा देते हैं कि अगर आपके वॉलेट में पैसा नहीं रहता है और आप बिन देखे यहाँ पर जो है कि रिचार्ज करने के लिए चले जाते हैं और आपका वहाँ पर लो बैलेंस शो कर जाता है और तुरंत आपने यहाँ पर लापू बैलेंस सेट करके तुरंत आप रिचार्ज करने के लिए जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ऐसा इशू आ रहा है, अगर आप यहाँ पर जो तुरंत चले जाएंगे फिर रिचार्ज करने के लिए उसी नंबर पर वॉलेट ऐड करके तो फिर आपका यहाँ पर रिचार्ज तुरंत का तुरंत नहीं होगा। इसका कारण यही है, कंपनी का कहना है जो आपके वॉलेट में पैसा नहीं है तो फिर आप वहाँ पर रिचार्ज करने के लिए क्यों गए और आप कस्टमर का पैसा लेकर आप फ्रॉड करना चाहते हैं, ऐसा जो एयरटेल मित्रा का कहना हो जाता है और आप लोग का यहाँ पर रिचार्ज 5 मिनट के लिए रोक दिया जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अब यहाँ पर क्या करना है, अगर ऐसा है अगर आपको भी आ रहा है तो आपको यहाँ पर सिंपल सा अगर आप यहाँ पर लापू बैलेंस ऐड करते हो तो आपको कम से कम 5 मिनट घड़ी देखकर 5 से 6 मिनट आपको वेट करना है, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर रिचार्ज करना है तो आपका यहाँ पर जो कि 100% आपका यहाँ पर रिचार्ज कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा देखने का मतलब यही है कि आप लोग यहाँ पर तुरंत जो है कि बैलेंस आपका रहता नहीं, रिचार्ज मारते हो तुरंत ऐड करते हो, ऐड करने के बाद फिर से आप रिचार्ज करने के लिए चले जाते हैं, इसी
इसी कारण आप लोगों को यहाँ पर ऐसा इशू आता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके बतला दिया ऐसा इशू यहाँ पर क्यों आता है। अगर आप भी यहाँ पर एयरटेल का रिटेलर होंगे तो आप भी यहाँ पर रिचार्ज करते होंगे तो आप लोगों को कभी ना कभी इस तरह का इशू आता होगा, डुप्लीकेट रिक्वेस्ट प्लीज ट्राई आफ्टर सेम टाइम का। इसलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर जैसे ही आप रिचार्ज करने जाएंगे और आपको यहाँ पर ऐसा इशू आ रहा है तो आपको यहाँ पर 5 मिनट वेट कर लेना है, उसके बाद रिचार्ज करना है तो आपका यहाँ पर रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो सो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट से कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।